नमस्ते दोस्तों, अपर्णाज रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी की एक बहुत ही टेस्टी सी और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी बताऊंगी। हेल्दी तो ये है ही, पर इसे देखते ही बच्चे पसंद कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं पत्ता गोभी के मिनी डोनट्स। सबसे पहले हमें पत्ता गोभी को ऐसे कद्दूकस करके लेना है। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से इसे कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, इसमें डालेंगे ये आधा कप बारीक सूजी, साथ में ही जाएगा ये पाव कप गेहूं का आटा और ये पाव कप बेसन, इसको भी इसमें डाल देना। अब ये है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इससे अपने स्नैक्स में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये है एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक भी डाल देना। यह आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अब इन सारी सूखी चीज़ों को पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देना और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। एक छोटे प्याज को मैंने अच्छे से काट कर लिया है। आप अगर प्याज नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके साथ में ही मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च को ऐसे बारीक काट कर लिया है। यह थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, इसे भी डाल देना। और ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, आधा कप कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी। अब थोड़ा सा 1 पिंच बेकिंग सोडा मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे एकदम चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। बस अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आपने देखा होगा अभी तक तो मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। इन सारी चीज़ों को हमें ऐसे ही मिक्स करना है, क्योंकि गाजर है, पत्ता गोभी है, इनमें तो पानी होता ही है। तो उसी पानी से हम पहले इस आटे को गूंद लेंगे और देखेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में हम इसमें पानी डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक ये आटा एकदम सॉफ्ट नहीं हुआ है, एकदम नरम नहीं हुआ है, तो इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चाहो तो यहाँ पर हाथों से थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हो, पर मेरे पास थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ कैबेज बचा हुआ है तो उसी में से ये थोड़ा सा कैबेज मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसी कैबेज को अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए, ये अपना आटा बहुत अच्छे से हो गया है। तो मैंने इसे गूंदने में बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया है। अब इसके ऊपर ये मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया, तेल को भी इसके साथ मिक्स करेंगे और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा डो बनकर तैयार है। अब इस डो को हमें बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि आप इसे जितना रगड़ते जाओगे ये पतला पतला होता जाएगा, क्योंकि इसमें पत्ता गोभी है, कैरेट है, जिसमें पानी छूटता ही जाएगा। तो इसे मिनी डोनट बनाने से पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक छलनी को मैं तेल से बहुत अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, क्योंकि हमें डोनट्स को स्टीम करके लेना है। अब अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, अब इस डो में से ऐसे हम बॉल बना लेंगे छोटे छोटे से और उंगली में थोड़ा सा तेल लगाकर, ये देखिए इसके बीच में मैंने कितना सुंदर सा होल बनाया है और बहुत ही प्यारा सा डोनट बन गया है। तो ऐसे ही हम बाकी के सारे डोनट्स भी बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे से लग रही है और बहुत ही हेल्दी भी है। तो देखिए, सारे डोनट्स हमने ऐसे ही बना लिए हैं। अब हमें इसे स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए गैस पर मैंने एक पतीले में ये पानी रखा है और ये थोड़ा सा गर्म भी हो गया है। तो अब इसके ऊपर इस छलनी को रख देना। इस छलनी को हमें ढक कर रखना है और ढकने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक ढक्कन लिया है, पर इसको मैं छलनी के ऊपर डायरेक्टली नहीं रखूँगी। पहले इसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे कॉटन का और कॉटन के कपड़े से कवर करके, ये देखिए ऐसे ढकेंगे हम इसको। इससे क्या होगा, स्टीम करते टाइम अपने ढक्कन में जो भी पानी छूटेगा वो पानी इस कपड़े पर ही गिरेगा, अपने डोनट्स पे नहीं गिरेगा। तो ये कपड़ा गीला हो जाएगा,
पर डोनट्स बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे से स्टीम होकर आएंगे। कोई भी चीज को स्टीम करने के लिए ये ट्रिक आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी। अब इन डोनट को हमें 20 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से स्टीम करके लेना है। साधारण 20 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है, एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से स्टीम हुए है या नहीं। तो देखिए छुरी तो अपनी बहुत अच्छे से क्लीन निकल कर बाहर आ रही है, इसी का मतलब डोनट बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देना और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देना। ठंडा होने के बाद देखिए कितने आसानी से ये निकल कर आ रहे हैं। तो ये प्लेट में मैंने सारे डोनट्स निकाल लिए हैं। अब हमें इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर लगाना है एक बहुत ही अच्छा सा तड़का। तड़का लगाने के लिए गैस पर मैंने ये पैन रखा है, इसमें साधारण 2 बड़े चम्मच तेल डाला है और ये तेल गर्म भी हो गया है। सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 बड़ा चम्मच राई, साथ में ही जाएंगे ये 1 बड़ा चम्मच तिल, थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे इसमें और डालेंगे 7-8 करी पत्ता के पत्ते। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च को आप राई डालने से पहले डाल सकते हो ताकि एकदम अच्छे से भुनी जाए और इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से उतर जाए। अभी मैं इनको थोड़ा सा तेल में रखकर ऐसे चम्मच से प्रेस करूँगी। तो ये देखिए ये अपना तड़का रेडी है। अब ये सारे डोनट्स को भी मैंने इसमें रख दिया है। अब पैन को ऐसे टॉस करते हुए, पैन को ऐसे हिलाते हुए हम डोनट्स को इस तड़के से बहुत अच्छे से कोट करेंगे। तो ये देखिए एक साइड से तो ये बहुत अच्छे से कोट हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक बार पलट के रख दूंगी और फिर से इन्हें ऐसे ही हिलाएंगे। इसके ऊपर मैं थोड़े से चाट मसाला पाउडर डाल दूंगी जिससे ये बनेंगे और भी चटपटे। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एकदम लो फ्लेम पर 1-2 मिनट इनको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से शैलो फ्राई हो जाए और बहुत ही टेस्टी लगे। तो अब ये अपने डोनट्स सर्व करने के लिए रेडी है। इनको आप टमाटो केचप के साथ खा सकते हो, टिफिन में दे सकते हो, स्नैक्स में दे सकते हो। एक्चुअली ये है गुजरात के कैबेज मुठिया की रेसिपी। तो मैंने बस इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को चेंज किया है और एक अलग सा शेप दे दिया है जिससे बच्चे इसे और भी पसंद करेंगे। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस पर लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप मेरे चैनल पर नए हो, तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना और साथ में ही दबाना बेल आइकन को। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।